हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और भाई बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक्सपेरिमेंटल दिमाग यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है एक प्रोफेशनल बैट। जी हाँ, एक प्रोफेशनल बैट आज हम आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाने वाले हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपको हमारा बैट थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और आपने इस बैट का तो शॉट देख ही लिया है कितना खतरनाक है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक प्रोफेशनल बैट बनाने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं हमने एक लकड़ी की मोटी फट्टा ले लिया है और इसकी हाथी जो है हमने पहले से ही काट लिया है दोस्तों। इसका जो हैंडल हमने पहले से ही काट लिया है दोस्तों, और हमने इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो 4.25 इंची ली है और जो इसकी लंबाई ली है वो पूरा 3 फुट ली है, जो कि एक बैट की असल लंबाई होती है। और उसकी हाथी जो हमने पहले से काट रखी है, वो फ्रेंड्स हमने इस पर निशान लगाया, आप देख सकते हैं इसके निशान जो है आपको दिख रहा होगा। हमें इस प्रकार से इसे टेपर में काट लेना है जिस प्रकार से बैट की शेप होती है। तो फ्रेंड्स, हमने इसे टेपर में काट लिया है और अब हम इसे रंधे से टेपर देंगे पूरा, जिस प्रकार से एक बैट की शेप होती है आप देख सकते हैं। हम इसे ऊपर से प्लान कर रहे हैं और फिर इसके साइडों से इसे टेपर देंगे। तो आप देखते रहिए, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको बिल्कुल उसी तरह से अपने बैट को बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम इसकी चौड़ाई कम कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो रही थी। तो अब देखते हैं, इसकी चौड़ाई 4.25 इंच हो चुकी है। नहीं तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमने इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग पूरी कर दी है और अब बारी है इसे और ज़्यादा टेपर में लाने की, जिस प्रकार से एक बैट की शेप होती है। तो आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम इसे शेप में लेकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है, हमने इसे थोड़ा शेप में लिया है और अब हम इसकी हत्ती भी जो है इसका हैंडल गोल करेंगे और आप आगे देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे बैट है और इसके हमें जो कॉर्नर हैं इन्हें भी गोल करना होगा और उसकी जो हैंडल है उसे भी गोल करना होगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये इस प्रकार से निशान, गोल निशान हमने इस पे लगा लिए हैं और अब हम इसे आरी से और चोर से की मदद से गोल करेंगे, जिस तरह के एक बैट में होते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है। फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स, हमने इसके कॉर्नर गोल कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी है इस पर ग्राइंडर लगाने की, जिससे कि इसका वजन भी हल्का हो सके। फ्रेंड्स, आप इसका वजन अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। तो चलिए चलते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर जो ग्राइंडर है वो लगा दिया है और ये प्लान भी हो चुका है ऊपर से। अब बारी है इसकी हैंडल को गोल करने की, तो चलिए चलते हैं इसे गोल करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें बैट का जो निचला हिस्सा है उसे भी हल्का सा गोल करना होता है, तो फ्रेंड्स उसे भी हम गोल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये केवल थोड़ा सा ही फ्रेंड्स गोल होता है, ज़्यादा गोल नहीं होता है, तो आपको ये भी कर लेना। फ्रेंड्स हमारा बैट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और अब बारी है इस पे पूरे बैट पर ग्राइंडर लगाने की, तो चलिए इस पर पूरे बैट पर ग्राइंडर लगाते हैं। और फ्रेंड्स आप इसका जो वजन है वो अपने अनुसार ही रखें, तो चलिए इस पर ग्राइंडर लगाते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो फ्रेंड्स मैंने इसका वजन अपने अनुसार रखा है जिससे कि मुझे इसे उठाने में कोई परेशानी ना हो, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। आप इसे एकदम चौके छक्के आराम से लगा सकते हो, तो बहुत अच्छा बैट फ्रेंड्स ये हमारा बन चुका है।